हे माय लवली फूडीज, वेलकम बैक टू स्नेहा गुप्ता रेसिपीज ऑन द व्लॉग चैनल। और आज का रेसिपी है बहुत ही टेस्टी। मैं छुहारे की खीर की रेसिपी बताने वाली हूँ। इसे हम बनाने वाले बहुत ही इजी वे में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छुहारे की खीर को बनाना। तो मैंने यहाँ पर 20 से 25 छुहारे लिए हैं। तो ये छुहारे ऐसे ही बहुत ही मीठे होते हैं, तो इसमें आपको किसी भी चीनी को डालने की ज़रूरत नहीं है। तो छुहारे के को पहले हम अच्छे से वॉश कर लेंगे और उसके बाद इसे पानी में सोख करके रख लेंगे ताकि ये आसानी से कट सके। तो इस देखिए आगे का जो पोर्शन उसे हम कट करके निकाल लेंगे, साथ ही इसे बीच में इस तरह से फाक करके इसके बीच में निकाल देंगे और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और इस तरह से मैंने निकाल के इसे अलग कर लिया है और सारे को मिक्सर ग्राइंडर में डाल लिया। आप चाहो तो इसे चॉप करके भी डाल सकते हो नाइफ के हेल से, या फिर आप इसे एक बार मिक्सी में भी एक बार चला सकते हो। तो इस तरह से मैंने इसे चला लिया है। बहुत बारीक ना करें, ये बड़े बड़े पीसेस में रहता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। साथ ही मैंने यहाँ पर दूध लिया है, मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर मिल्क लिया है। जब ये मिल्क अच्छे से बॉयल हो जाएगा, इसके बाद जो मैंने क्रश करके रखे हैं छुहाड़े को, उसे हम दूध में डालेंगे और इन सभी को अच्छे से बॉयल होने देंगे। तो हमें इसे तब तक बॉयल होने देना है जब तक ये बिल्कुल ठीक ना हो जाए और छुहाड़े अच्छे से कुक ना हो जाए। दो इंग्रेडिएंट्स से मैंने इसे बनाया है, दूध और छुहाड़े से। तो इसीलिए आप इसे फास्टिंग के टाइम में भी ले सकते हो और ये बहुत ही हेल्दी एंड पौष्टिक भी है। थोड़ा सा ही खाने से आपका पेट बिल्कुल भरा भरा लगेगा और ये बहुत ही हेल्दी भी है। देखिए ये बनके तैयार भी हो चुका है, तो जब ये ठंडा होगा तो थोड़ा और ठीक होगा। तो इसीलिए मैं गैस का फ्लेम यहाँ पे ऑफ़ कर देती हूँ और इसे मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ठंडा होने के बाद ये देखिए ये थोड़ा सा ठीक और ठीक हो चुका है। ठंडा ठंडा इसे आप सर्व करें या फिर इसे आप गरम गरम भी खा सकते हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही अपने कमेंट्स में मुझे लिखना ना भूले कि आपको मेरा आज का ये रेसिपी कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और ऐसे ही रेसिपीज़ और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी कुकिंग।